बड़सर के पूर्व विधायक बलदेव शर्मा ने कोरोना से लड़ने वाले योद्धाओं को सम्मानित किया, जिसमें बड़सर अस्पताल के स्टाफ, पुलिस कर्मचारियों और मीडिया के कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। बलदेव शर्मा ने कहा कि कोरोना से लड़ने वाले योद्धाओं का सम्मान करना हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है। साथ ही उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि ख्याल रखें, फोटो खींचने की शर्म के मारे कोई गरीब या जरूरतमंद भूखा ना सोए, किसी गरीब एवं जरूरतमंद की फोटो जबरदस्ती ना लें। पूर्व विधायक एवं जिला भाजपा अध्यक्ष बलदेव शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर जनता एकजुट है और कोरोना महामारी को दूर करने के लिए जनता प्रशासन का भी पूरा साथ दे रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के निर्देशानुसार जो कोरोना महामारी जो वायरस ये फैला हुआ है, इसमें जो सभी जो लोग लगे हैं, हमारे कर्मचारी लगे हुए, चाहे हमारे डॉक्टर हैं, स्टाफ नर्स हैं, सफाई कर्मचारी है, पुलिस वाले हैं, बैंक वाले हैं, डाकखाने वाले हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो भी योद्धा इस बीमारी को रोकने के लिए जो काम में लगे हुए, आज उनको हमने सम्मानित किया है, उनको सम्मान किया है और उनको प्रणाम किया है कि आपको मैं हम बार बार प्रणाम भी करते हैं कि आप ऐसा अच्छा काम कर रहे हैं ताकि लोगों की जान बचे। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो लॉकडाउन की बात की है, उसका पूरा पालन हमारा हिमाचल प्रदेश और हमारा विधानसभा क्षेत्र बड़सर मंडल जिला, ये पूरी तरह उसका उस लॉकडाउन का कानून का पालन कर रहा है। उसी को कड़ी में आज हमने हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर को, नर्सों को, सफाई कर्मचारियों को, पुलिस के महकमे को, होमगार्ड और जो मीडिया के कुछ लोगों को भी हमने आज मान सम्मान देने की सम्मानित किया है। इसलिए मैं लोगों से यही अपील करता हूं कि इस लॉकडाउन में अपनी दूरी बना के रखें, अपने बार बार हाथ धो रहे हैं, अपना ये जो फेस कवर है ये लगा के रखें, ये नहीं है तो कोई परना है, चादर है, लगा के रखें। खेती बाड़ी का इस टाइम जो फसल का समय है तो हम दूरी बना के रखें। और मेरी प्रार्थना, जो लोग हमारे बच्चे, जो मजदूर, जो हमारे कर्मचारी अधिकारी, जो भी लोग बाहर से घर हिमाचल में आ रहे हैं, वो ठीक ढंग से बॉर्डर पे इन अधिकारियों का, पुलिस कर्मचारियों का, डॉक्टर हॉस्पिटल के जो कर्मचारी हैं उनका सहयोग करें ताकि यहाँ पे भी हिमाचल में कोई बीमारी ना फैल सके, क्योंकि आना तो जरूरी है और कोई गरीब भूखा ना सोए। और मेरी कार्यकर्ताओं से प्रार्थना है कि किसी गरीब का फोटो जबसी ना लें, गरीब खाना राशन लेने में शर्म महसूस कर रहा है, इसलिए पहले पूछ लीजिए। फोटो जरूरी नहीं है पर राशन देना बहुत जरूरी है। कोई गरीब हमारा भूखा न सोए, कोई बुजुर्ग को दवाई से न रहे। तो मेरी कार्यकर्ताओं से प्रार्थना है और महिला मोर्चा से प्रार्थना है कि ज्यादा से ज्यादा हम फेस कवर बनाएं, हर घर में, हर गांव में दें। मैं एक बार सबका ये जो महामारी से जो योद्धा खत्म करने के लिए जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, उसमें हमारे आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता भी आ रहे हैं, पंचायत का वो आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता भी आ रहे हैं, हमारा वो आशा वर्कर्स भी आ रही है, मैं उनका भी नाम लेना भूल गया, समझाऊंगा। और इसके अलावा पंचायत के प्रधान, पंच, कौन कौन लोग बाहर से आ रहे, सब लोग काम में लगे हुए हैं। और मोदी जी के जो आदेश है उनके साथ पूरा हिंदुस्तान एकजुट होकर मोदी जी की बात को मान रहे हैं। और हिमाचल तो पूरा लगता है कि अब मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं, अब तो लगता है हिमाचल जो है इस बीमारी से मुक्त होने वाला है और हिंदुस्तान की बीमारी जो वायरस, जो कोरोना वायरस फैला हुआ है, ये मोदी जी के और जनता के सबके प्रति से इस बीमारी को तुरंत भागना ही है। और जनता जब एकजुट है तो पक्का ही भागेगी। लोगों से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सब सहयोग दीजिए और जो योद्धा हैं उनको, उनका ख्याल रखकर उनको प्रणाम भी करता हूँ, उनका परिवार, उनको सब सुखी रहे। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप भी खुद बचाव में रहें, सभी कार्यकर्ता, जनता बचाव में रहे, परिवार को बचाव में रखें, रिश्तेदारों को समझाएं, लोगों को जागरूक करें। आप सबका धन्यवाद। जय भारत, जय हिमाचल।